गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम और क्वेश्चंस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेटा कल हमने डिस्कस किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की दो तो टाइप टाइप वन थी जब आपको कुछ नहीं बता रखा कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर कैसे लेंगे तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो रेशियो बच गया वही क्या कंसीडर हो जाता है न्यू रेशियो और अगर गिवन होता है कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ओल्ड पार्टनर कैसे लेंगे तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आप ब्रेक करेंगे और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो उसको परचेस कर रहे हैं उनको मिल रहा है आर के जाने के बाद या किसी भी पार्टनर के रिटायर होने के बाद तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे यहाँ पर मेरे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में पी क्यू आर पार्टनर से रेशियो है वन बाय टू टू बाय सिक्स एंड वन बाय सिक्स पहले हम इसे ठीक तरीके से लिख लेते हैं रेशियो क्या हो गया थ्री टू वन आर रिटायर हो रहा है और आर का शेयर पी और क्यू ले रहे हैं किस में टू इज टू वन में ऑल राइट इमीडिएटली बेटा एस बी एडमिट हो रहा है मतलब एक ही क्वेश्चन में एक पार्टनर का रिटायरमेंट है और एक पार्टनर का एडमिशन है एस एडमिट हो रहा है वन फोर्थ शेयर के लिए वन फोर्थ का वन थर्ड पी दे रहा है और रिमेनिंग पी और क्यू इक्वली दे रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम्प्यूट करना है एस के एडमिशन के बाद तो सबसे पहले हम अप टू आर रिटायरमेंट तक का, का काम करते हैं बेटा जब आर रिटायर हो गया तो पी विल गेन पी को कितना हिस्सा मिला आर का कितना था वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स का टू थर्ड आर ले गया आ, पी ले गया और क्यू कितना गेन कर रहा है आर का वन थर्ड तो पी विल गेन टू बाय एटीन एंड क्यू विल गेन वन बाय एटीन नाउ फाइंड आउट पीज न्यू शेयर पी का न्यू शेयर क्या हो गया बेटा पी का ऑलरेडी शेयर कितना था थ्री बाई सिक्स और पी को और कितना मिल गया टू बाई एटीन नाउ टेक एल्शियम एटीन नाइन प्लस टू इलेवन बाई एटीन आर के रिटायर होने पर पी को इलेवन बाई एटीन प्रॉफिट रेशो मिल रहा है सिमिलरली फाइंड आउट क्यूज न्यू शेयर क्यू का ऑलरेडी शेयर कितना था टू बाय सिक्स और क्यू को अब कितना मिल गया वन बाय एटीन टिकल्शियम एटीन थ्री सिक्स प्लस वन सेवन बाई एटीन इट मीन्स आफ्टर आर्ट्स रिटायरमेंट आर के रिटायर होने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिट्वीन पी एंड क्यू क्या रह गया बेटा पी और क्यू का इलेवन बाय सेवन गॉट अप टू नाउ आर के रिटायरमेंट तक समझ आ गया प्रोसीड करते हैं अब एस एडमिट हो रहा है एस एडमिट हो रहा है वन फोर्थ शेयर के लिए वन फोर्थ का वन थर्ड मतलब वन बाय ट्वेल्व तो पी दे रहा है

वन फोर्थ का वन थर्ड पी दे रहा है रिमेनिंग कितना रह गया टू ट्वेल्व टू ट्वेल्व पी और क्यू दे रहे हैं कैसे इक्वली टू बाय ट्वेल्व इंटू वन बाय टू टू बाय ट्वेल्व इंटू वन बाय टू मतलब टू बाय ट्वेंटी फोर पी सरेंडर कर रहा है और टू बाय ट्वेंटी फोर ही कौन सरेंडर कर रहा है क्यू तो इस चार्ट में मैंने निकाल लिया कितना पी सरेंडर कर रहा है कितना क्यू सरेंडर कर रहा है अब मैं क्या कर रही हूँ पी का रिमेनिंग शेयर निकालो जस्ट ऊपर देखो इलेवन बाई एटीन पी का शेयर था जिसमें से वन बाय ट्वेल्व एक दे रहा है पी और टू बाय ट्वेंटी फोर और दे रहा है अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इसका बेस सेम बनाकर तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा वन फोर्टी फोर क्या आ रहा है एलसीएम 88 एटी एट माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेल्व ये आ गया हमारे पास एटी एट माइनस ट्वेंटी फोर सिक्सटी फोर बाय वन फोर्टी फोर और राइट ऐसे ही किसका निकालिए बच्चे क्यू का क्यू का कितना था ऑलरेडी सेवन बाई एटीन येस क्यू ने तो सिर्फ एक ही दिया है टू बाय ट्वेंटी फोर अगेन टेक एल्सियम वन फोर्टी फोर और हम क्यू का सॉल्व करेंगे तो क्यू का आ रहा है बेचे फोर्टी फोर बाय वन फोर्टी फोर नाउ राइट डाउन फॉर थ्री पार्टनर पी का कितना आ गया पी का इज सिक्सटी फोर बाय वन फोर्टी फोर क्यू का फोर्टी फोर बाय वन फोर्टी फोर आर का वन बाय फोर बेस सेम करेंगे तो थर्टी सिक्स बाय वन फोर्टी फोर थर्टी टू ट्वेंटी टू एंड एटीन ठीक है और काटते हैं टू से सिक्सटीन इलेवन एंड नाइन ये क्या आ गया बच्चे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने आर तक का काम कर लिया बेटा उसके बाद एस एडमिट हो रहा है कैसे कैसे सरेंडर कर रहे हैं वो अपने अपने शेयर में से क्या कर दिया माइनस तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो उनका शेयर ऐड हो जाते हैं और जब पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो शेयर क्या हो जाता है माइनस गॉट दिस क्वेश्चन अस प्रोसीड टू मोर क्वेश्चन कम टू इलुस्ट्रेशन नंबर एट इलुस्ट्रेशन नंबर एट में गिवन है शर्मा वर्मा एंड नीतू पार्टनर्स है रेशियो है वन बाय फोर वन बाय एट एंड टेन बाय बेस को कॉमन कीजिए मीन्स टू वन एंड फाइव सबसे पहले शर्मा रिटायर हो रहा है बेटा कुछ नहीं कह रखा कि इसका शेयर कैसे टेक, ओवन, टेक ओवर हुआ है तो क्या करेंगे आप Yes, fast, शर्मा रिटायर हो रहा है तो न्यू क्या, बन गया? Correct, हो रही है, तो क्या बच गया बेटा टू इज टू वन क्या हो गया न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी निकालना है और गेनिंग भी तो ये टाइप वन क्वेश्चन बन गया बच्चे जहां पर ये नहीं गिवन कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कैसे टेकन ओवर हो रहा है ऐसे केस में बच्चे जो न्यू रेशियो है वो ही क्या होता है गेनिंग रेशियो और राइट तो टाइप वन में जो आप न्यू रेशियो निकालेंगे वो न्यू रेशियो को ही कंसीडर करेंगे क्या गेनिंग रेशियो और राइट डू यू रिमेंबर दिस नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी आर पार्टनर्स फोर थ्री टू रेशो है बी रिटायर हो रहा है ए और सी ने फ्यूचर प्रॉफिट रेशो डिसाइड किया फाइव इज टू फोर ये स्टूडेंट्स ये क्या है ए बी सी का रेशो ओल्ड रेशो जो फ्यूचर में डिसाइड किया है बच्चे क्या है न्यू रेशो निकालना क्या है गेनिंग रेशो वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो येस न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशियो तो ए का निकालिए ए का क्या रेशियो है न्यू रेशियो है ए का फाइव बाई नाइन एंड ओल्ड रेशियो इज फोर बाय नाइन इट मीन्स ही इज गेनिंग वन बाय नाइन शेयर बिकॉज जो उसका न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो से क्या है ज्यादा है सिमिलरली फाइंड आउट फॉर बी ये स्टूडेंट बी का न्यू रेशियो फोर बाय नाइन बी का ओल्ड रेशियो थ्री बाय नाइन अगेन बी का ओल्ड रेशियो इज बी रिटायर्स ओके सी का रेशियो इज टू बाय नाइन हैंज रिमेनिंग डेट इज गेनिंग इज टू बाय नाइन तो बच्चे ए और सी का गेनिंग रेशियो क्या आ गया वन इज टू टू फिर से देखते हैं एक बार बी रिटायर हो रहा था ये ओल्ड रेशियो था ये न्यू रेशियो था ए का गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो सी का गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो क्या आ रहा yes. है वन इज टू टू ये लेटस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन एम एस एन पार्टनर्स है बेटा इनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है ये स्टूडेंट्स अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रेशियो है इक्वली एम रिटायर हो रहा है उसका शेयर एम और एस और एन ले रहे हैं फाइव इज टू थ्री में और एक बार कैसे ले रहे हैं इक्वली न्यू प्रॉफिट रेशियो भी निकालना है और गेनिंग रेशियो भी निकालना है चलते हैं बेटा एम का शेयर कितना है एम का शेयर वन बाय थ्री एम का शेयर कौन गेन कर रहा है एस कितना गेन कर रहा है एम का शेयर वन बाय थ्री और किस रेशियो में ले रहे हैं एस और एन फाइव इज थ्री में तो एस गेन कर रहा है फाइव बाई ट्वेंटी फोर एन कितना गेन कर रहा है यह स्टूडेंट एम का शेयर वन बाय थ्री और एन ले रहा है थ्री बाई एट मतलब थ्री बाय ट्वेंटी फोर तो बच्चे एम का ऑलरेडी शेयर एस का ऑलरेडी शेयर कितना था वन थर्ड और फाइव बाई ट्वेंटी फोर इसने गन कर लिया एम से नाउ टे कैल्सियम ट्वेंटी फोर एट प्लस फाइव थर्टीन बाई ट्वेंटी फोर इज़ न्यू रेशियो ऑफ एस सिमिलरली फाइंड आउट एन एन का रेशियो था वन बाई थ्री और एन ने थ्री बाई ट्वेंटी फोर और ले लिया ट्वेंटी फोर एट प्लस थ्री इलेवन बाई ट्वेंटी फोर एन s और में क्या आ गया? अब गेनिंग रेशियो दो तरीके से हो सकता है यह स्टूडेंट कैसे दिस इज ओल्ड दिस इज न्यू न्यू माइनस ओल्ड इज गेनिंग और कैन से न्यू एग्जिस्टिंग पार्टनर किस रेशियो में ले रहे हैं फाइव इज टू थ्री में तो सिंपली बेटा गेनिंग रेशियो विल बी फाइव इज टू थ्री आप दोनों तरीके से कर सकते हैं अगर आपको याद हो बच्चे एडमिशन का तो एडमिशन में हमने क्या देखा था कि जिस पार्ट रेशियो में पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं वही क्या होता था सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब यहां पर जिस रेशियो में पार्टनर ले रहे हैं गेन कर रहे हैं वही क्या होगा गेनिंग रेशियो यस yes, क्लास अब स्टूडेंट आप अगला पार्ट खुद से करो इक्वली एक्वायर कर रहे हैं एम रिटायर हो रहा है और एस और एन इक्वली एक्वायर कर रहे हैं यस yes. करिए मैं आपको आंसर बताती हूं यस yes. सबसे पहले आप क्या देखेंगे एम का शेयर वन थर्ड कितना हाफ हाफ वन सिक्स वन सिक्स और इनके एग्जिस्टिंग शेयर में क्या कर दीजिए ऐड तो आप देखेंगे आपका न्यू रेशियो वन इज टू वन आ रहा है और राइट अब गेनिंग रेशियो आप दो तरीके से निकाल सकते हो ओल्ड माइनस न्यू सॉरी न्यू माइनस ओल्ड और राइट बेटा और डायरेक्टली भी निकाल सकते हो एम का शेयर एस और एन कैसे एक्वायर कर रहे हैं कैसे गेन कर रहे हैं इक्वली तो अपसेल्यूटली करेक्ट बेटा गेनिंग रेशियो भी क्या आएगा वन इज टू वन जिस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गेन कर रहे हैं डेट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो ऑल राइट होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक दो ही टाइप है चलो और प्रैक्टिस करते हैं अभी पढ़िए बच्चे एलो नंबर ट्वेल्थ है ये बच्चे पढ़िए आप ए बी सी पार्टनर से रेशियो है थ्री बाय एट वन बाय टू एंड वन बाय एट चलो बेस क्लियर बेस सेम करिए थ्री फोर वन ये क्या हो गया बच्चे इनका ओल्ड रेशियो नाउ हु इज रिटायरिंग ए रिटायर हो रहा है ए रिटायर हो रहा है एंड सरेंडर टू थर्ड ऑफ हिज शेयर ए सरेंडर ठीक है मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स आर गेनिंग टू थर्ड ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी ऑल राइट एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी टू थर्ड बी को दे रहा है अपने शेयर का रिमेनिंग कितना रह गया वन थर्ड किसको दे रहा है सी को लेटे प्रोसीड तो बी विल गेन मुझे बताओ बी कितना गेन करेगा हु इज रिटायरिंग ए ए का शेयर थ्री बाय एट कैसे ले रहा है टू थर्ड इंटू टू थर्ड तो इट कम्स टू बी सिक्स बाय ट्वेंटी फोर और राइट आगे चलते हैं अब सी कितना गेन कर रहा है बी का शेयर बी सॉरी ए का शेयर थ्री बाय एट उसमें से कितना ले रहा है वन थर्ड थ्री बाय ट्वेंटी फोर तो बी का न्यू शेयर क्या हो गया बेटा बी का ऑलरेडी शेयर क्या था फोर बाय एट सिक्स बाय ट्वेंटी फोर किससे ले लिया इसने ए से आफ्टर रिटायरमेंट ट्वेंटी फोर ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन एटीन बाई ट्वेंटी फोर सिमिलरली कैलकुलेट सी इज न्यू शेयर यस बेटा सी का ऑलरेडी शेयर कितना था एब्सल्यूटली करेक्ट वन बाई एट और कितना ले लिया थ्री बाय ट्वेंटी फोर टे कैल्सियम थ्री प्लस थ्री सिक्स बाय ट्वेंटी फोर तो बी और सी का शेयर क्या हो गया बेटा एटीन इज टू सिक्स और वी कैन से थ्री इज टू वन गॉट इट अब बेटा क्या करना है गेनिंग रेशियो चलो आप रिप्लाई करो फटाफट से गेनिंग रेशियो क्या होगा मैम जिस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहे हैं वही क्या है गेनिंग रेशियो यस बेटा किस रेशियो में कर रहे हैं सिक्स इज टू थ्री मतलब टू इज टू वन इज गेनिंग रेशियो और यू कैन कैलकुलेट गेनिंग रेशियो बाय अप्लाई द फॉर्मूला इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो जिस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करते हैं बेटा वही क्या होता है गेनिंग रेशियो सबसे पहले मैंने ए का शेयर दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और जिस जिसने ए का शेयर लिया उनके रेशियो में क्या कर दिया एड कर दिया गॉट इट चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर यस yes, बेटा पढ़िए ए बी सी डी पार्टनर्स हैं ऑल राइट रेशियो क्या है थ्री टू वन फोर ए रिटायर और उसका शेयर कौन ले रहा है बी और सी ले रहा है सर्कल कर लेते हैं बेटा एक बार ए रिटायर बाकी गलती ना हो ए रिटायर ठीक है उसका शेयर कौन ले रहा है उसका शेयर ले रहे हैं बी एंड सी किस रेशियो में थ्री इंस टू टू में तो सबसे पहले ए का शेयर बी कितना गेन कर रहा है ऐसे ए का शेयर सी कितना ले रहा है यस बेटा ए का शेयर क्या है फाइव सिक्स टेन थ्री बाय टेन थ्री बाय टेन का थ्री बाय फाइव थ्री बाय टेन का टू बाय फाइव नाइन बाय फिफ्टी बी ले रहा है और सिक्स बाय फिफ्टी ए ले रहा है बी का न्यू शेयर निकाल लें यस yes. बी का ऑलरेडी शेयर क्या है टू बाय टेन और कितना ले रहा है नाइन बाय फिफ्टी टेक एल्शियम फिफ्टी फाइव टू टेन प्लस नाइन नाइनटीन बाई फिफ्टी सिमिलरली फाइंड आउट सी न्यू शेयर यस बेटा सी का न्यू शेयर कितना सी का ऑलरेडी वन बाय टेन प्लस कितना ले रहा है सिक्स बाय फिफ्टी अगेन टेक एल्शियम फाइव प्लस सिक्स इलेवन बाय फिफ्टी नाउ हु इज रिटायरिंग ए बी सी डी का क्या रेशियो आ रहा है नाइनटीन बाय फिफ्टी इलेवन बाय फिफ्टी और बेटा डी को तो कुछ भी नहीं मिला फोर बाय टेन बे सिमिलर करो फाइव से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या रेशियो आ गया नाइनटीन इस टू इलेवन इस टू ट्वेंटी विल बी द न्यू रेशियो स्टूडेंट्स कैन यू टेल सेक्रीफाइ गेनिंग रेशियो यस हु ओनली बी एंड सी किस रेशियो में नाइन इज टू सिक्स और वी कैंड से थ्री इज टू टू में क्या कर रहे हैं गेन आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्टली द गेनिंग रेशियो चलो एक क्वेश्चन अभी हम और करते हैं यस बेटा पढ़िए ये इलस्ट्रेशन नंबर फोर्टीन है इसमें एडमिशन हो रहा है और डेथ हो रही है बेटा डेथ हो चाहे पार्टनर की चाहे रिटायरमेंट हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन सेम रहेगी पढ़िए बेटा ऑन फर्स्ट फर्स्ट 2008 उदय एंड उदयन कल पार्टनर से उनकी फिक्स कैपिटल सेवन लाख और थ्री लाख है गोविंद न्यू पार्टनर आ रहा है फर्स्ट फर्स्ट 2010 को और 10 लाख रुपीस कैपिटल ला रहा है और न्यू रेशियो है थ्री टू फाइव फर्स्ट फर्स्ट ट्वेल्व को हरी न्यू पार्टनर आ रहा है और हरी एट लाख रुपीस ला रहा है और वन टेंथ शेयर प्रॉफिट में से लेकर आ रहा है जो वो सभी पार्टनर से इक्वली एक्वायर कर रहा है बेटा फर्स्ट फोर 2014 को गोविंद डाइड हो जाता है और उसका शेयर उदय और हरी इक्वली लेते हैं ठीक है बेटा एडमिट हुआ जी डेट इज गोविंद फिर एडमिट हुआ हरी फिर गोविंद डाइट और राइट right, क्या पूछा है एक एक स्टेप करके चलो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है उदय एंड कुशल का जी के एडमिशन पर बाकी भूल जाओ बेटा उदय एंड कुशल पार्टनर्स थे और जी के आने पर ये न्यू रेशियो था तो ये उदय और कुशल का क्या हो गया ओल्ड रेशियो तो वन नंबर डालो मेरे साथ सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कुशल और राइट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एडमिशन के टाइम सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकलता है क्योंकि जब न्यू पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस करना होता है ये yes. उदय का ओल्ड रेशियो क्या है कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे इक्वली उदय का ओल्ड रेशियो वन बाय टू और उदय का न्यू रेशियो क्या हो गया जीके एडमिट होने पर थ्री बाय टेन टे कैल्सियम फाइव माइनस थ्री टू बाय टेन सिमिलरली फाइंड आउट फॉर कुशल कुशल ओल्ड रेशियो इज वन बाय टू एंड कुशल न्यू रेशियो इज टू बाम टेन टेक टेन फाइव माइनस टू थ्री बाय टेन तो एक पार्ट हमें समझ में आ गया कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो अमंग उदय एंड कुशल इज टू इज टू थ्री स्टेप बाय स्टेप चलिए बेटा चलिए बेटा अब हरी को एडमिट करें हरी आने पर उदय कुशल और गोविंद तीन पार्टनर्स थे उनका रेशियो क्या था थ्री टू फाइव ठीक है अब कौन आ रहा है हरी कितने शेयर के लिए वन टेन शेयर के लिए विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम उदय कुशल एंड गोविंद कैसे एक्वायर कर रहा है इक्वली वन इज टू वन इज टू वन में तो सबसे पहले आप क्या निकालिए शेयर acquired by Hari from ude, Hari from kushan, hari from from बाय One tenth उदय one third, one thirtieth, one thirtieth, one by thirtieth. All right. अब बच्चे उदय का ऑलरेडी कितना शेयर था उदय का शेयर था थ्री बाय टेन जिसमें से वन थर्टी इसने किसको दे दिया गोबिंद को ध्यान रखे कि कब प्लस करना है कब माइनस एट द टाइम ऑफ एडमिशन शेयर एक्वायर्ड और माइनस करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ शेयर गेन और एड करते हैं ये टेक एल सिया थर्टी नाइन माइनस वन एट बाय थर्टी सिमिलरली फाइंड आउट फॉर कुशल कुशल शेयर इज टू बाय टेन ही इज सेक्रीफाइजिंग वन बाय थर्टी मीन्स फाइव बाय थर्टी रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट इट फॉर गोविंद गोविंद ऑलरेडी शेयर फाइव बाई टेन और हाउ मच इज सेक्रीफाइजिंग वन बाय थर्टी इट मीन फोर्टीन बाई थर्टी तो अप टू हरि उदय कुशल गोविंद हरि इनका रेशियो बताओ क्या होगा यस बेटा क्या होगा एट बाय थर्टी उदय फाइव बाय थर्टी कुशल फोर्टीन बाय थर्टी गोविंद और वन बाय टेन मतलब थ्री बाय थर्टी किसका होगा हरी का तो बच्चे उदय कुशल गोविंद में रेशियो आ गया एट इज टू फाइव इज टू फोर्टीन इज टू थ्री आई होप सेकेंड पार्ट क्लियर कम टू पार्ट नंबर थर्ड बच्चे गोविंद की डेथ हो गई ऑल राइट right, बच्चे गोविंद की डेथ हो गई ऑल राइट right. और गोविंद का शेयर कौन ले रहा है यू एंड एच मतलब उदय एंड हरी तो उदय विल गेन उदय कितना गेन करेगा गोविंद का शेयर है फोर्टीन बाय थर्टी ठीक है बेटा और कैसे लेना है इक्वली उदय लेगा वन बाय टू मतलब फोर्टीन बाय सिक्सटी उदय लेगा यस बेटा हरी कितना लेगा उदय का गोविंद का शेयर फोर्टीन बाय थर्टी इसका हाफ फोर्टीन बाय सिक्सटी हरी लेगा तो बच्चे उदय का शेयर कितना हो गया एट बाय थर्टी प्लस फोर्टीन बाय सिक्सटी टेक कैल्शियम सिक्सटी टू सिक्सटीन प्लस फोर्टीन थर्टी बाय सिक्सटी हरी का निकालिए चलो पहले कुशल का निकाल लेते हैं कुशल का कुछ भी नहीं किया इसने गेन एज इट इज़ सिमिलरली किसका निकालिए हरी का हरी का ऑलरेडी थ्री बाय थर्टी था और फोर्टीन बाय सिक्सटी ले लिया टे कैल्शियम सिक्सटी टू सिक्स प्लस फोर्टीन ट्वेंटी बाय सिक्सटी तो बच्चे क्या रेशियो बन गया हमारा येस आफ्टर गोबिंद डेथ उदय का फोर्टीन बाय सिक्सटी हरी का Uh, उदय का बेटा थर्टी बाय सिक्सटी ऑल राइट कुशल का फाइव बाय थर्टी टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब टेन बाय सिक्सटी एंड हरी का ट्वेंटी बाय सिक्सटी तो रेशियो आ गया थ्री वन टू तो इस क्वेश्चन में साइमटेनियसली एडमिशन और रिटायरमेंट था केयरफुली इन क्वेश्चन की क्या कीजिए प्रैक्टिस तो बच्चे यहाँ पर हमने न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना सीख लिया एडमिशन का भी रिवाइज़ हो गया रिटायरमेंट का भी आज आपका होमवर्क है आपको बैक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कंप्लीट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन और कल आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आपके पास असाइनमेंट आ जाएगी बेटा फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से जिनको वीडियो नहीं पहुंच रही या जिनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज ही मैंने कुछ बच्चों से डिस्कस किया देखो नेम लेना ठीक नहीं है आप सब लोग जानते हैं जिसको जहाँ दिक्कत है यू आर फ्री टू कॉल इट एनी टाइम बेटा वी आर ऑलवेज फॉर यू क्योंकि अभी जो डाउट्स क्लियर हो गए वो बाद में समय नहीं आएगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस क्रूशियल टाइम को वेस्ट ना करो तो फटाफट से एक बार सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशो को रिवाइज कर लेते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर सरेंडर करते हैं एक अपना पार्ट न्यू पार्टनर के लिए गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर सेक्रीफाइजिंग कब निकालते हैं अपसेल्यूटरी करेक्ट एडमिशन गेनिंग रिटायरमेंट सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू एंड गेनिंग का होता है न्यू माइनस ओल्ड तो जो भी आपने गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहां पर सारी एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में थी तो यहाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं यहाँ पर सारी एंट्री गुडविल की किस्में होंगी गेनिंग रेशियो में तो कल हम गुडविल का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है डू योर होमवर्क रेगुलरली डू योर असाइनमेंट रेगुलरली एंड टेक योर डाउट्स रेगुलरली इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ट्वेल्थ क्लास इज वेरी क्रूशल क्लास फॉर होल लाइफ इवन आई कैन से तो गुड बाय फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ेंगे स्टे होम स्टे सेफ